गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द जूम ऑनलाइन उर्दू क्लास समरी। जी बच्चों, आपको याद है हमने लास्ट वीक नज़म हमदर्दी पढ़ी थी। पिक्चर देखकर तो याद आ गया ना, हमने यहाँ पर स्टॉप किया था। आज हम इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं ताकि आज हम नज़म हमदर्दी की मश्क कर सकें। तो पहले क्या करना है, आपने बुक खोलें, उर्दू की बुक है आपके पास, पेज नंबर 19 निकालते हैं। ठीक है जी, पेज नंबर 19 पर नज़म हमदर्दी हम आज पढ़ेंगे। जी, नज़म हमदर्दी। टहनी पे किसी शजर की तन्हा बुलबुल था कोई उदास बैठा, कहता था कि रात सर पर आई उड़ने चुगने में दिन गुजारा, पहुंचूं किस तरह आशियां तक हर चीज पे छा गया अंधेरा। सुनकर बुलबुल किया गुजारी, जुगनू कोई पास ही से बोला, हाजिर हूँ मदद को जानो दिल से, कीड़ा हूँ अगरचे मैं जरा सा, क्या गम है जो रात है अंधेरी, मैं राह में रोशनी करूँगा, अल्लाह ने दी है मुझको मशर, चमका के मुझे दिया बनाया, हैं लोग वही जहाँ में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। जी, आपको याद आया कि हम ये नज़म पढ़ चुके हैं और इस नज़म में आपको एक मैसेज दिया गया कि आप लोगों की मदद करें। जो लोग दूसरों के काम आते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, वो अल्लाह ताला के पसंदीदा लोग होते हैं, अल्लाह ताला उनसे बहुत खुश होते हैं और दुनिया में भी सब लोग उनको पसंद करते हैं कि ये तो बहुत अच्छे हैं, सबकी मदद करते हैं। तो आपने प्रॉमिस किया था ना कि आप भी कोशिश करेंगे कि जिसको आपकी मदद की ज़रूरत हो आप उसके काम आए। अच्छा जी, आज हम इसकी मश्क करते हैं। ठीक है जी, मश्क में सवाल नंबर 2 देखेंगे। आज है हम आवाज़ अल्फाज। हम आवाज़ अल्फाज किसको कहते हैं? ऐसे अल्फाज जिनके बोलने में आपको एक जैसी आवाज़ महसूस हो, यानी कि आखिरी 2 हर्फ जो हैं, 1 या 2 हर्फ, वो बार बार रिपीट हों। हर लफ्ज़ के आखिर में वही हर्फ आना चाहिए जो पहले लफ्ज़ के आखिर में है, तो फिर इससे उनकी आवाज़ मिलती जुलती लगती है। एग्जाम्पल दी हुई है उन्होंने, देखें पहला लफ्ज़ है शजर। अभी मायने आपको याद है ना, शजर किसे कहते हैं? दरख्त को। अब शजर के तोड़ कर आप देखें, शीन प्लस जीम प्लस रे, आखिरी लफ्ज़ कौन कौन से हैं? शीन के बाद जीम और रे। अब इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमने बनाया हुआ है फजर। शजर फजर, फजर में प्लस करके देखें, तोड़ मनाए, फे प्लस जीम प्लस रे। तो इससे आपको समझ आ गई कि शजर के भी आखिरी 2 अल्फाज जीम और रे हैं, फजर के भी आखिरी 2 अल्फाज जीम और रे हैं, इसलिए उन दोनों की आवाज़ मिलती जुलती है। फजर शजर, शजर फजर, एक जैसी आवाज़ आ रही है ना। आपने बनाना है रात के साथ एक वर्ड, रात बात, रात बात। नेक्स्ट वर्ड है दिन, दिन गिन, दिन गिन, बन रहे हैं ना वर्ड। ये मैं ऑरली आपको समझा रही हूँ, आप डिफरेंट वर्ड बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो लफ्ज़ मैं कह रही हूँ वही बनाएं, आप अपनी पसंद का लफ्ज़ भी लिख सकते हैं। आज आपने इसकी रफ प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको ये वर्ड बनाने आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है चुग। चुग का मतलब होता है दाना चुगना, परिंदों का खाना। ठीक है, वो चुगते हैं ना जमीन से, चुन चुन कर जब खाते हैं तो उसको दाना चुगना कहते हैं। चुग, चुग के आगे वर्ड बना सकते हैं जुग। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है जान। ये तो बहुत इजी वर्ड है, जान मान कान। आप इसके अलावा भी नए वर्ड्स बना सकते हैं। फिर लफ्ज़ है गम। गम के साथ क्या वर्ड बनता है? कम। कम भी तो कह सकते हैं ना, गम कम नम। ठीक है जी, इसी तरह आप प्रैक्टिस करेंगे और आप वर्ड बनाएंगे, फिर मैं आपसे पूछूंगी और आप किसकी प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हम मायनी अल्फाज मिलाएं। इसके बाद आपने ये क्वेश्चन करना है, हम मायनी अल्फाज मिलाएं। अब हम मायनी का मतलब होता है वो अल्फाज जिनके मायनी एक जैसे हों, यानी कि एक ही चीज़ के 2 नाम भी कह सकते हैं। अब शजर को उन्होंने ऑलरेडी मैच किया हुआ है, बुक पे देखें, शजर
दरख्त, ठीक है। मायने याद है ना आपको, मैंने आपको लास्ट वीक सारे मायने करवाए थे, आपने बुक पे अंडरलाइन भी किए थे और मैंने आपको मायने समझाए भी थे, याद होंगे तो आप जल्दी से मैच कर लेंगे। तन्हा का मतलब क्या है? तन्हा अकेला। तन्हा को किससे मैच करेंगे? अकेला। आशियां किससे मैच होगा? आशियां कहते हैं घर को। तो अगर आपको मायने याद है तो हम मायने अल्फाज हो गए, यानी तन्हा का मतलब अकेला, आशियां का मतलब घर। आहुजारी किसे कहते हैं? आहुजारी को आपने मैच करना है फरियाद के साथ। आहुजारी फरियाद, ये देखें मैंने मैच नहीं किया, मैंने आपकी वजह से छोड़ा हुआ है ताकि आप खुद से कोशिश करें, और जब ये आप मैच करेंगे तो मैं उस वक्त आपसे पूछूंगी क्लास में, आपको आता होगा और आप इसको बहुत अच्छा सा टेस्ट में भी दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपने मायने याद किए होंगे ना तो आपकी मैचिंग बिल्कुल ठीक होगी। मशल को किससे मैच करेंगे? मशल कहते हैं चराग, रोशनी जिससे मिलती है हमें, ठीक है। लास्ट वर्ड है गम। गम के क्या मायने हैं? फिक्र करना, परेशान होना, क्योंकि बुलबुल गमजदा था, गम में था, परेशान था, उदास था, क्योंकि वो अकेला रह गया था तो उसको फिक्र हो रही थी कि वो घर कैसे जाएगा, ठीक है। गम को किसके साथ मैच करेंगे? फिक्र। तो वेरी गुड बॉयज, आप ये प्रैक्टिस करें, रफ कॉपी पे करें या बुक पे करें, और फिर मैं आपसे नेक्स्ट टाइम पूछूंगी कि आपको ये समझ आई या नहीं, आपने कैसे मैच किया, ये ऑनलाइन क्लास में मैं आपसे पूछ सकती हूँ, ठीक है जी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।